me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल. और आज है डे 9th एंड आई एम इन कसोल. कसोल के मैं रूस्टॉप्स के प्रॉपर्टी में. इट्स क्वाइट गुड कसोल में. आप यहाँ से चलाल में भी स्टे ले सकते हैं, बट चलाल फिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है ट्रैक करके. सो वी थॉट कि मेन कसोल में ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमको आज सुबह निकलना है यहाँ से. सो टुडेज़ प्लान इज़ लाइक अपने को जाने का पहले मणिकरण गुरुद्वारा, और उसके बाद वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं तोश विलेज को एक्सप्लोर करने. वहाँ पे शायद बर्फ़ गिर रही है तोश विलेज में, क्योंकि यहीं पे -2 -3 है टेम्परेचर. सो वहाँ पे तो बर्फ़ मिलना इज़ लाइक मिल सकता है. तो यहाँ से अराउंड 14 to 15 किलोमीटर्स और आगे. तो यही है आज का प्लान. उसके बाद शायद हम लोग चंडीगढ़ के लिए जाएंगे. एंड फिर क्या, ट्रिप एक एंड होने वाली है, तो एक ऐसा वो फील आता है ना कि अरे भाई बहुत मचा लिया, बट अभी घर जाना है, वापस से मंडे से काम करना है, ऑफिस वाला आ रहा है. ओके, तो यही है आज का प्लान. देखिए आज चंडीगढ़ मूव है, कि कल रात की ट्रेन है वैसे. नथिंग इज डिसाइडेड, देखते. आई विल शो यू द मैन डॉम रूम. अक्षय भाई भी रेडी हो रहे अपने. अरे बार क्या ये अपना बेड था, ये अपने को पड़ा है 670. इट्स लाइक लिटिल कॉस्टली एज कम्पेयर टू अदर डॉम्स, पर ठीक है क्योंकि मेन कसोल में मिल गया, तो सो हम लोग ने ले लिया. ओके, अभी अपन निकल रहे हैं टोश के लिए. पहले सबसे पहले अपन जाएंगे टोश विजिट करेंगे. टोश विजिट करने के बाद अपन आएंगे मणिकरण गुरुद्वारा, और मणिकरण गुरुद्वारा करने के वापस कसोल जाएंगे. एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज की पूरी मतलब दिन कसोल में स्टे करना है कि नहीं करना है, या आगे मूव होना है. ठीक है, लोग निकल चुके हैं अभी तोश के लिए, और हम लोग ने लिया है बीच में एक हॉल्ट आफ्टर 8 to 10 किलोमीटर्स चाय पीने के लिए. काफ़ी ज़्यादा ठंड है, फिर धूप में आके अच्छा लग रहा है, पर बारिश से बाहर होती है अभी. इधर के लोकल लोग धूप सेकते हुए और इसको देखो. फाइनली आफ्टर 1 आवर अपन पहुंच चुके तोश विलेज, और भाई तोश विलेज से जो नज़ारे है काफ़ी तगड़े हैं, बट यहाँ आने का रास्ता भी काफ़ी रिस्की है. तो अच्छा हुआ अपने को आयुष भाई मिल गए, उनको भी इधर ही आने का था घूमने, अपने को भी यहीं आना था. उनके 4 व्हीलर से आए, वरना बाइक रेंट करके आते थे. तो ठंड तो एक्सट्रीम लेवल है, और ये तो स्टार्टिंग पॉइंट भी खीर गंगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैक करने के लिए भी आए हैं. सो दिस आर द व्यूज इन तोश विलेज. तो भाई अभी अपन निकल रहे हैं तोश विलेज से मणिकरण गुरुद्वारा जाने के लिए. यहाँ का तो विजिट हो गया अपना, एक वाटरफॉल था, बट हम लोग ने वहाँ पर वाटरफॉल तक गए नहीं, बड़ा स्लिपरी था. और ये है अपने आयुष भाई की गाड़ी क्रेटा. ओ तो
तुम कैसे आगे आ गए? आयुष भाई उतार दे क्या इसको? भाई कैसे आ गए? अरे यार नीचे जाओ यार, ज्यादा इरिटेट मत करो। ये कैंप साइट हिमट्रैक कैंप साइट करके तोश गांव से 1 किलोमीटर पहले। भाई देख रहे हो अगर इधर पे अपन ने कैंप साइट ले लिया। ये इनका इधर पे कॉमन वॉशरूम वगैरह है और यहाँ से नज़ारे जन्नत जन्नत है भाई। यहाँ पे इतनी शांति है। तोष विजिट करने के बाद हम लोग आ गए हैं मणिकरण गुरुद्वारा और ये अभी हम लोग पार्किंग में खड़े हुए हैं। तो पूरे मंदिर का व्यू आ रहा है पार्किंग से। ये काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग वाटर। अभी अपन जाएंगे नीचे से भी, मतलब क्लोज शॉट्स भी लेंगे। बहुत ज़्यादा, मतलब पहले बाहर तो एकदम ठंडा लग रहा था, इधर तो इधर एकदम है। अभी हम लोग आ गए हैं प्राचीन शिव मंदिर मणिकरण गुरुद्वारा के अंदर ही, मतलब एकदम बगल में लग के ही ये मंदिर है। और मत्था टेका हम लोगों ने गुरुद्वारा में लंगर किया और उसके बाद अभी हम लोग आ गए प्राचीन शिव मंदिर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो गुरुद्वारे में लंगर चलता है वहाँ का जो राइस है वो यहीं पे बनाते हैं, मतलब एकदम नेचुरल, कुछ गैस का यूज़ नहीं, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे पूरा गर्म पानी में एकदम नेचुरली करते हैं राइस को। तो अपने दर्शन हो गए हैं गुरुद्वारे और शिव मंदिर के। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं
कसोल के लिए वापस। टाइम टू से गुड बाय टू कसोल। सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट किया था अपन ने 9 बजे। पहले अपन गए पोस्ट विलेज, फिर उसके बाद गए मणिकरण गुरुद्वारा, उसके बाद वापस हम लोग कसोल में आए। थोड़ा सा बहुत शॉपिंग किया घर वाले के लिए जो लेना था लेना था, और उसके बाद अभी फाइनली इन 2 लेयर्स। ठंड तो लग रही है बट अभी ठीक है। यहाँ से निकलते चंडीगढ़ के लिए, वहाँ का टेम्परेचर 24-25, सो दैट इज़ लाइक अपने लिए ठीक है। और ठीक है चलते, अभी इतना ही था कसोल में। यहाँ से अपन वापस से वही आयुष भाई की गाड़ी, यू पीपल नो, वो अपने को मनाली में मिले, अपन साथ में ही घूम रहे हैं। और यहाँ से निकल के जाएंगे अपन चंडीगढ़।